आप लोगों ने एनडीटीवी इंडिया के बारे में सुना होगा। आप सभी जानते हैं कि ये न्यूज़ चैनल है एक आपका, और अभी वर्तमान में देखिए आप लोग कि सबसे ज्यादा सुना जाने वाला, देखा जाने वाला चैनल है, और जिसमें आप लोगों को कई पत्रकार देखने को मिलेंगे। रवीश कुमार को भी आप लोग सुनते होंगे, रवीश कुमार की रिपोर्ट भी आप लोग सुनते होंगे। तो एनडीटीवी के मालिक हैं कौन? प्रणव रॉय। और आपको बता दूं कि प्रणव रॉय वही है जिन्होंने एनडीटीवी इंडिया की स्थापना की हुई थी, और आप लोगों को सामने इनकी पिक्चर दिख भी रही है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि एनडीटीवी के जो संस्थापक हैं इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग देश के जो भी पत्रकार हैं, फिर चाहे सत्ता पक्ष का एक तरह से आप देखिए विचारधारा वाले हों या विपक्ष वाले हों, सभी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आज के समय में जनता कन्फ्यूज है, हम आप लोग कन्फ्यूज हैं। आप देखिए कि कोई कानून आता है, कोई योजना आती है, तो सरकार पक्ष के जो मीडिया होती है वो उसके फायदे ही फायदे गिनाती रहती है, नुकसान कुछ भी नहीं गिनाती है। और जो आप देखिए विपक्ष की मीडिया होती है, दूसरा पक्ष होता है, वो उसके नुकसान ही नुकसान बताती रहती है, फायदे ही नहीं बताती है। इससे आम व्यक्ति को मालूम ही नहीं चलता है कि आखिर इसका निष्कर्ष किस निष्कर्ष पर पहुंचे। पहले की मीडिया को आप लोग देखते होंगे कि वो पूरा उसका फायदा बताते थे, नुकसान बताते थे, समझ रहे? तो आम आदमी आराम से समझ पाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं आप लोग मीडिया को, और मीडिया का क्या कर्तव्य होता है, आज की मीडिया उससे दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है। किस तरह से मीडिया बदल चुकी है आप लोग बेहतर जानते हैं। अभी भी कुछ पत्रकार अगर ईमानदार बचे हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि उनका आने वाले समय में जब भी हमारा इतिहास लिखा जाएगा उसमें जरूर उनका नाम होगा। तो देखिए हैं सामने आपके डॉक्टर प्रणव रॉय, ठीक है? अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो डॉक्टर प्रणव रॉय इनका नाम है पूरा, और इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1949 में। और याद रखिए 1949 वही साल है जब कुछ प्रावधानों के साथ हमारा संविधान लागू हुआ था। आप सभी जानते होंगे कि 26 नवंबर 1949 तो आप लोगों ने सुना होगा, 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। एक बार आप लोग कोलकाता को देख लीजिए और देखिए ये हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, और इसकी राजधानी है कोलकाता। और इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो देखिए उड़ीसा लगता है, झारखंड लगता है, बिहार से भी इसकी सीमा लगती है, और आप देखेंगे कि सिक्किम से भी इसकी सीमा लगती है और असम से भी इसकी सीमा लगती है। और अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें कि पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो एक तो आप लोग बांग्लादेश देखेंगे, भूटान देखेंगे और नेपाल से, तीन देशों से लगती है। मुझे लगता है कि आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ लेता है, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनकी पत्नी की बात करें तो राधिका रॉय इनकी पत्नी का नाम है, और आपको बता दूं कि इनकी पत्नी भी पत्रकार है, पत्रकारिता से जुड़ी हुई है। इनकी बेटी तारा रॉय इनकी बेटी का नाम है। और अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो दून स्कूल से शुरुआती शिक्षा लेते हैं, उसके बाद सीए की डिग्री लंदन से लेते हैं। कहाँ से? लंदन से, यानी कि विदेश में भी पढ़े लिखे हुए हैं। फिर ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी पीएचडी करते हैं। किसमें? इकोनॉमी में, यानी कि आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री भी हैं। और इनके शौक की अगर बात करें तो लिखना पढ़ना इनका शौक है, और आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के भी शौक होते हैं, किसी का व्हाट्सएप चलाना, किसी का फेसबुक चलाना, मूवियां देखना, तो इनके भी उसी तरह लिखना पढ़ना इनका शौक है। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं एक पत्रकार हैं, चुनावी विश्लेषक भी हैं, चुनावी वैज्ञानिक कह सकते हैं आप लोग, लेखक भी कह सकते हैं और अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले चर्चा में कब आए? 1984 के आम लोकसभा के जो चुनाव हुए थे ना, आम चुनाव, इसमें सबसे ज्यादा ये चर्चा में आए थे। ऐसा क्यों आए थे? क्योंकि आपको बता दूं कि इन्होंने एक चुनावी वैज्ञानिक है, और चुनावी वैज्ञानिकों का यही काम रहता है कि ये बताना कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो इन्होंने 1984 के भारतीय आम चुनाव के पहले रॉय ने एक अत्यंत सटीक चुनाव पूर्वानुमान प्रस्तुत किया था, और जिसमें उन्होंने 400 सीटों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की हुई थी। और आपको बता दूं, ये भविष्यवाणी ने उन्हें भारत में सफल चुनाव विज्ञानी घोषित होने की प्रतिष्ठा दिलाई थी। यानी कि प्रणव रॉय ने कहा था कि कांग्रेस इस चुनाव में 400 सीटें लगभग जीतेगी, और इनकी भविष्यवाणी लगभग सही हुई, 400 प्लस सीटें कांग्रेस को मिलती हैं। और एक बात यहां बता देता हूं, जिन राजनेताओं को आज घमंड रहता है या कि हमारी पार्टी को इतनी सीटें मिली हुई है, तो वो भूल जाए इस बात को। 1975 से 77 के बीच जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, उसके बाद जो चुनाव हुए थे, आपको बता दूं इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो तो चुनाव हार ही गई थी अपनी सीट, साथ में कांग्रेस भी बहुत बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। और आज देखिए कि जिस पार्टी की 400 प्लस सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, आज उसकी क्या हालत हो चुकी है कांग्रेस की। तो एक जनता है, समझती है, बहुत टाइम लगता है, थोड़ा बस समझ रहे हैं, बहकावे में आती रहती है, और लास्ट में टाइम के बाद आप देखिए 200 साल लगभग हमारे ऊपर शासन किया अंग्रेजों ने, लेकिन एक दिन हमें समझ में आया कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो हम लोग उठे और लड़े, और आखिर जीत भी हासिल की हुई है। तो ये सबसे पहले चर्चा में 1984 के समय ही आए हुए थे प्रणव रॉय, और प्राइवेट टीवी चैनल न्यूज चैनल के पुरोधा प्रणव रॉय को प्राइवेट टीवी न्यूज चैनल का पुरोधा भी कहा जाता है। दूरदर्शन की खबरों से बाहर निकलकर उन्होंने कई प्रयोग भी किए, और प्रणव रॉय के दम पर ही उनका चैनल दावा करता है कि इलेक्शन मतलब एनडीटीवी। डॉक्टर प्रणव रॉय ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत में इलेक्शन को टीवी पर सबसे पहले जानकारी से परिपूर्ण, रोचक और लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई हुई थी। ये 1988 के करीब की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग? और इसीलिए आप देखिए कि अभी भी इनका चैनल काफी पॉपुलर है लोगों में। दूरदर्शन पर वर्ल्ड दिस वीक और न्यूज टू नाइट काफी लोकप्रिय हुए, और 1990 के दौर में जब प्राइवेट चैनलों का अभी जन्म भी नहीं हुआ था, और उस दशक में सिर्फ दूरदर्शन के सहारे देश और दुनिया की खबरों की जानकारी हासिल करते थे, और उस दौर में प्रणव रॉय ने दूरदर्शन पर अपने प्रोग्राम वर्ल्ड दिस वीक और न्यूज टू नाइट से दर्शकों के बीच एक खास पहचान भी बनाई हुई थी। और प्रणव रॉय ने 1988 में एनडीटीवी नाम के जिस प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की थी, वो अब धीरे धीरे एक बड़े मीडिया हाउस में बदल चुका है। और आप देखिए 2003 में इन्होंने, प्रणव रॉय ने एनडीटीवी के नाम से अंग्रेजी और हिंदी न्यूज चैनल स्टार्ट किए हुए थे, और अभी भी आप चैनल देख ही रहे हैं एनडीटीवी, और उसमें खासकर आप लोग देखते हैं कि रवीश की रिपोर्ट काफी पॉपुलर है। आप देखिए, आपकी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं तो आप लोग रवीश कुमार के बारे में सुने होंगे, आप लोगों का मुद्दा उठाते रहते हैं, समझ रहे हैं? देखिए, अब आप भी जानते हैं कि कोई अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं तो पुरस्कार मिलना भी स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो डॉक्टर प्रणव रॉय को कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आप देखेंगे एशियाई टेलीविजन पुरस्कार, और दूसरा है लाल स्याही पुरस्कार। इसे आप लोग लाल स्याही पुरस्कार को रेड इंक अवार्ड्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये कहानी है डॉक्टर प्रणव रॉय की। और अगर आपके मन में भी किसी पत्रकार का नाम आता है तो आप लोग बताइए, उसे भी हम लोग कवर करेंगे, उसकी जो भी बायोग्राफी रहेगी, जो भी सफर है उसका। और एक बात और बताता हूँ, वैसे हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें देश के किसी भी पत्रकार को नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे आप देखिए किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आप लोग देखते रहिए, हम लोग एक एक करके बात करते रहेंगे, ठीक?